तो अपने पास प्रॉब्लम है cos of 55, cos of 65 एंड cos of 175. इस सम की वैल्यू जीरो प्रूव करनी है. तो इन दोनों टर्म में cos c plus cos d लगाएंगे, 2 cos c plus d by 2, तो ये cos 60 आएगा एंड cos of c minus d by 2. और यहाँ पे cos 180 minus theta लगाएंगे. cos 180 minus theta basically minus of cot theta, cos theta होता है. तो इसकी वैल्यू हाफ होती है, तो यहाँ पर cos of minus theta cos theta होता है. तो बेसिकली ये वैल्यू जीरो हो गई. तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकता है. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, cos of 18 minus sin of 18 is equal to root of 2 sin of 27. ये अपन को प्रूव करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो sin 18 है उसको अपन cos of 72 भी लिख सकता है. फिर cos c minus cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 sin of c plus d by 2 एंड साइन ऑफ डी माइनस सी बाय 2. फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बेसिकली साइन 27 और ये हो गया रूट ऑफ साइन 27. तो इस तरीके से प्रूव कर सकता है. तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा.